सर, टेक्नोलॉजी में पहले से अब बहुत चेंजेस हो गए हैं. एक टाइम था जब संगीत, क्लासिकल म्यूजिक जो है वो सिर्फ रेडियो पर सुना जाता था, फिर उसके बाद दूरदर्शन पर चालू हुआ, उसके बाद अब आज की डेट में जो है इंटरनेट पर आप जिनको भी सुनना चाहते हैं उनको आप सुन सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी में ये जो चेंजेस आए हैं इनको आप कितना पॉजिटिव समझते हैं? मैं इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूँ, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से, ये सर्फिंग और ये जो इंटरनेट की वजह से ध्रुपद को लोगों ने बहुत बहुत सुन पाए जी, क्योंकि और जनर जो थे मतलब क्लासिकल या सेमी क्लासिकल म्यूजिक वो ज़्यादा पॉपुलर थे. तो ध्रुपद को लोग हमेशा ये कहते थे कि आपको नहीं समझ आएगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत वो है, और लोगों से रूबरू नहीं होने देते थे जो मिडिल के जो लोग थे या जो भी कोई लोग थे जो बीच में जो जो सब कुछ आयोजन और सब कुछ मिलाते हैं सबको, ऑडियंस और कलाकार को. तो वो कहते थे आप लोग को नहीं समझ आएगा, आप लोग को नहीं समझ आएगा. तो इस तरह से जो है वो लोगों तक पूरी तरह से पहुंचता ही नहीं था जी. तो अब इंटरनेट के द्वारा लोगों ने अपने आप ही सुना, उससे अवगत होने के बाद उनको लगता है कि ये तो हमको ये भी अच्छा लगता है, ये फॉर्म भी अच्छा लगता है, ध्रुपद भी जी. तो इस वजह से इंटरनेट द्वारा ये बहुत ही प्रसार प्रचार हुआ जी. और लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स आपको मदद नहीं करेंगे ज़्यादा जी. क्रैश कोर्सेज क्रशेस द टैलेंट जी. ठीक है, एक एक हम सच्चाई बोल देते कि भाई आपने हम 2-3 साल में आपको नहीं तैयार कर सकते, हमको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन लोग इसको सोचते हैं इसमें तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. अरे एक ये विधि है, एक विद्या है जिसको आप एजुकेटेड होने के लिए आपने पहले 10+2 किया, उसके बाद फिर आप अपने डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं जी. तो 15 वर्ष तो आप वैसे ही बिता देते हैं उसके अंदर, एमए करते हुए, उसके मास्टर करते हुए 17-18 साल हो जाते हैं, 20 साल के आप हो जाते हैं, 20-21 साल के जी. तो एक ऐसी विद्या को विद्यात्मक रूप में अगर आपको हासिल करना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा जी. अब ये भी नहीं बोलता कि भाई उसके उसके बराबर समय लगा दे, लेकिन उसके कम से कम एक क्वार्टर तो दें, 20 साल का एक क्वार्टर, 5-6 साल तो लगाएं उसको समझने के लिए, सीखने के लिए जी. आप जैसे कोर्सेज हैं जो आपको जावा और ये कुछ समझाने के लिए जो कंप्यूटर में भी जो होता है जी, 6 महीने में आपको समझ आ जाएगा, 6 महीने 6 हफ्ते में, 6 महीने नहीं 6 हफ्ते में समझ आ जाएगा. ओके. और 6 हफ्ते खत्म होने से पहले ही जो है 4th हफ्ते में कह रहे हैं कि आप एक और कोर्स कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू फर्दर मोर. और फिर दूसरा ले लेते तो तीसरा सेमेस्टर भी उसके खत्म होने के बीच में कह रहे हैं इट विल हेल्प यू फर्दर मोर. तो कितना टाइम हो गया. तो धीरे धीरे करते करते मतलब एक अलग तरीके से, मैं नहीं बोलता कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके, लेकिन एक अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन देके ग्रेजुअली जो है यू गिव. और क्या मतलब, क्या हमको क्या 1 साल में कंप्यूटर समझ आ जाता है क्या? ये उसकी तो बहुत सारी फाइल्स हम आज तक नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है जी. तो यू नीड टू गिव टाइम. एक कंप्यूटर की फाइल क्लोज करने के लिए 3 सवाल होते हैं जी, यस नो और कैंसिल. और फाइल कभी कभार ना यस से बंद होती है, ना नो से बंद होती है, ना क्लियर से या कैंसिल से बंद होती है. फिर भी आप अपना दिमाग लगाते हैं. तो क्लासिकल से क्यों गुरेज है जी? क्लासिकल म्यूजिक से क्यों गुरेज है? क्लासिकल भी हमारी बनाई हुई है, कंप्यूटर भी यंत्र हमारा बनाया हुआ है. प्रकृति को, क्योंकि ये गात्री वीणा, दिस आवर बॉडी इज गात्री वीणा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट. प्रकृति के अलावा जो भी कोई प्रकृति को भी जो इस्तेमाल किया है तो मनुष्य ने उपयोग और दुरुपयोग दोनों साथ में किया है. तो संगीत की रचना भी मनुष्य ने की है, संगीत की रचना जो मनुष्य ने की है, जो संगीत में भी जो और भी विधाएं हैं उनके भी रचनात्मक रूप देने वाला मनुष्य है जी. तो शास्त्रीयता भी मनुष्य ने क्रिएट किया, तो उससे क्यों गुरेज जी? तो उस मेंटल ब्लॉक को हटाने की जरूरत है लोगों को कि हमको नहीं समझ आएगा. क्यों नहीं समझ आएगा? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके जरिए ही आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी.